नमस्कार, प्रदीप कौशिक, मोटिवेशनल ट्रेनर एंड स्पीकर, आप सब लोगों का आपके अपने चैनल एक सफर मेरे साथ में दिल से स्वागत करता हूं। आज मैं आप लोगों के लिए एक बहुत ही अच्छा टॉपिक लेकर आया हूं, जिसे बहुत कम लोग जानते हैं लेकिन चाहते ज़रूर हैं कि वो हमें मिल जाए, और ये बहुत ज़रूरी है हमारे लाइफ में, डे टू डे लाइफ में, क्योंकि जो सब ले रहे हैं वो हमें लेने में क्या दिक्कत है। तो कुछ ऐसे सेक्शंस हैं जो इसको बुरा मानते हैं, लेकिन इसमें बुराई कुछ नहीं है। तो इस वीडियो को शुरू से लेकर आखिर तक देखना, पसंद आए तो वीडियो लाइक कर देना और शेयर तो बनता ही है। आज मैं बात कर रहा हूँ EWS सर्टिफिकेट। सेंट्रल गवर्नमेंट ने सेंटर में और राज्य में इकोनॉमिकल वीकर सेक्शन सर्टिफिकेट लागू किया है, कि जो इकोनॉमिकल वीकर सेक्शन है उनको भी जितनी भी पढ़ाई है और जितनी भी नौकरी है उसमें रिजर्वेशन दिया जाए, और वो रिजर्वेशन है 10%। तो ये पूरा प्रकरण क्या है, कैसे मिलता है, क्या क्या इसके लिए सर्टिफिकेट चाहिए, कहाँ अप्रोच करें, कैसे करें, पूरा विवरण लेकर आया हूँ। तो इसलिए इस वीडियो को शुरू से लेकर आखिर तक देखना और इसको शेयर अवश्य कर देना। तो सबसे बात पहले बात करते हैं हम EWS। EWS का मतलब होता है इकोनॉमिकली वीकर सेक्शन। एक्चुअली जिनकी एनुअल इनकम 8 लाख से कम है वो केंद्र और राज्य में 10% आरक्षण के अधिकारी हैं। इसका मतलब यह है कि आर्थिक और शैक्षिक पिछड़ेपन को दूर करने के लिए केंद्र सरकार ने ये EWS क्रिएट किया है। एलिजिबिलिटी क्या है, आपकी पात्रता क्या है इसको प्राप्त करने की, वो मैं बता रहा हूँ। सबसे पहले है जितनी भी जनरल कैटेगरी है जिनकी वार्षिक आय 8 लाख से कम है वो इसके लिए एलिजिबल है। ठीक है, ये आपकी पात्रता है कि आपकी इनकम 8 लाख से कम हो और आप जनरल कैटेगरी के होने चाहिए। ठीक है, और सबसे बड़ी बात यह है कि सभी शिक्षण संस्थान में सभी कोर्सेज के लिए 10% सीट रिजर्व है आप लोगों के लिए, और इसमें जो आपकी फी है उसमें भी सहूलियत दी जाएगी, फी के लिए भी इंटरेस्ट सब्सिडी भी दी जाएगी। ठीक है, और इंटरेस्ट सब्सिडी का मतलब है कि आप जो कोर्सेज करेंगे, जैसे इंजीनियरिंग कर रहे हैं, बीटेक कर रहे हैं या मेडिकल कर रहे हैं, तो जो उसमें आप एजुकेशन लोन लोगे तो उसमें आपको फायदा मिलेगा। अब है ये फायदा मिल गया आपको पढ़ाई लिखाई में, अब आपकी ग्रुप कोई सा भी ग्रुप हो आपका, सिपाही से लेके कलेक्टर तक, ठीक है, UPSC तक 10% की आपकी रिजर्वेशन है EWS के लिए। ठीक है, तो ये आपके लिए बहुत बड़ी एक केंद्र सरकार ने जो इकोनॉमिकल वीकर सेक्शन है उसके लिए बहुत बड़ी पहल की है और 10% का प्रावधान कर दिया गया है छोटी से लेकर सबसे बड़ी सर्विस के लिए, नौकरी के लिए। फिर है ये कैसे और कहां से मिलेगा, तो दिल्ली में ये SGM ऑफिस से मिल जाता है। ठीक है, दिल्ली इसका जो जारी करने वाला स्थान है वो है SGM ऑफिस। महाराष्ट्र, MP, छत्तीसगढ़, झारखंड, बिहार और उत्तर प्रदेश के अगर आप रहने वाले हैं तो आप अपने ई सेवा केंद्र से आवेदन करें, और जो निर्गत ऑफिस है वो है तहसीलदार ऑफिस। तो ये तो हो गया कैसे करें, कौन सा ऑफिस जारी करेगा। अब आपकी असेंशियल आवश्यकताएं क्या हैं, क्या क्या चाहिए इसके लिए। एक तो आपको आय का प्रमाण पत्र होना चाहिए, एक आधार कार्ड होना चाहिए, एक आपका TC या बर्थ सर्टिफिकेट, यानी कि आपकी जन्म की एग्जैक्ट डेट का एक सबूत होना चाहिए। तो ये तीनों चीज आपकी चाहिए। तो ये था EWS का। अगर आपको इन्फॉर्मेशन और वीडियो अच्छी लगी हो तो ज़रूर बताना मुझे कमेंट कर, और शेयर तो बनता है। नमस्कार,
जय हिंद, वंदे मातरम।